हाय एवरीवन स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में तो आज मैं आपको बताऊंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे ट्रे, ट्रेडिंग प्लान के लिए और स्टॉक मार्केट के करियर में तो ये टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल मैं पेश करने जा रहा हूँ जिसका हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे होना चाहिए राइट सो देखिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं अपना पेंट जो जिसपे मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका हूँ राइट सो लेफ्ट साइड बुल राइट और आप देख सकते हैं दूसरी साइड कौन है ओके okay? तो दोस्तों वैसे तो राइट साइड चूज करना है बुल साइड बेस्ट साइड चूज नहीं करना है हमें तो राइट right साइड ही जाना है ठीक है तो यहाँ पे बात आती है टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों हमारी और जो भी आपको बाकी की प्रोसीजर्स तो पता ही है फ्रेंड अभी बात आती है रिस्क तो दोस्तों सब जब भी एक साउंड ट्रेडर ट्रेड में एंटर होता है तो उसे ये पता होना चाहिए राइट right? ये पता नहीं होगा इट्स ओके नो प्रॉब्लम राइट ये चीज उसे पता होनी चाहिए ओके okay? और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा एनिमी है वो ब्रेक इवन है क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं विदाउट चार्ट कोई भी प्राइस में एंटर हो जाते हैं उन्हें जो भी गट फील आती है उससे वो एंटर हो जाते हैं फिर कुछ नहीं करते हैं सालों तक महीनों तक या दिनों तक दे वेट फॉर द ब्रेक इवन प्राइस और वहाँ पे ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं और थोड़ा बहुत प्रूफेज बचाने की ट्राई कर लेते हैं ठीक है तो वो तो मीनिंगस है आप समझ ही गए होंगे ओके तो अभी बात आती है दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो रिस्क रिड रेश किससे होना चाहिए क्या आप रखते हो तो आप ब्रेक इवन पे इजिली पहुँच सकते हो ये मैं टेबल आपके लिए लाया हूँ फिर लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा उसमें आपको अग्री होना कोई कंपलसरी नहीं है पर मैं जो कहूँगा सच कहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से और आप अगर उसी एक्सपीरियंस को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली सफर नहीं करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है तो बात आती है वन रुपी के सामने वन रुपी रिवॉर्ड सो फॉर दैट यू नीड अ ब्रेक इवन फिफ्टी राइट फिफ्टी परसेंट का आपका वो एक्यूरेसी होना चाहिए मिनिमम राइट देन यू कैन रीच ऑन द ब्रेक इवन उसके ऊपर जितनी भी आती है दैट विल बी योर प्रॉफिट राइट तो ये हो गया जो ज्यादातर वन जेम वन जो है बहुत वेल नोन है फिर बात आती है वन जेम टू तो वन जेम टू आपके लिए फेवरेबल तब है वहां पे आपको डेफिनेटली जब आपका रिवॉर्ड आप बढ़ाएंगे तो आपका जो एक्यूरेसी है वो लो होने वाली है और उसमें फायदा ये होता है कि थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट अगर आपकी एक्यूरेसी आती है देन ऑल्सो यू कैन क्रॉस द ब्रेक इवन यू कैन रीच ऑन द ब्रेक इवन लेवल जो सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है राइट right? फिर बात आती है थर्ड नंबर पे जहाँ पे हम पहुँचते हैं तो देख सकते हो कि वन के सामने थ्री तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी चाहिए ब्रेक इवन के पहुँचने के लिए ट्वेंटी फाइव यानी हंड्रेड ट्रेड्स में से आपका ट्वेंटी फाइव ट्रेड प्रॉफिट में मिनिमम सॉरी उसके लिए हाँ मिनिमम ट्वेंटी फाइव ट्रेड आपके प्रॉफिट में होने चाहिए तो एक्यूरेसी आपकी कम होती जाएगी जितना आप रिवॉर्ड बढ़ाएंगे राइट right? फिर मैं आपको जो भी उसका फैक्ट है डार्क साइड जो कई लोग करते हैं मेरे मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चीज़ मैं भी करता था देख लेते हैं अभी बात आती है वन पहले ये कंप्लीट कर देते हैं वन रिस्क फोर रुपीज रिवॉर्ड राइट तो उसके लिए आपको मिनिमम ट्वेंटी परसेंट की एक्यूरेसी चाहिए ओके okay? और लास्ट वन uh, मैं अगर बताना चाहूँ तो वन जैम फाइव तो उसमें यूनिट सेवेंटीन परसेंट एक्यूरेसी राइट सो दिस इज अबाउट द अभी जब भी दोस्तों हम ट्रेड में एंटर होते हैं तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल होगा देन ओनली आई विल एंटर इन टू दैट ट्रेड अदरवाइज तो मैं उसमें एंटर नहीं करूँगा ओके तो मैं दोस्तों से इतना बताना चाहूँगा कि रिवॉर्ड हम फिक्स मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर आप करते हैं आपको सक्सेस मिल रही है देन आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ओके okay? पर मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो आप फिक्स कर सकते हो वो रिस्क अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरा एज अभी सपोज फोर्टी इयर्स है तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि वन जम वन मेरा रिवॉर्ड है मैं एटी इयर्स जीऊँगा राइट कुछ पता नहीं है आज का दिन भी आखिरी रात हो या और ये वीडियो जो है वो भी मेरा लास्ट हो ठीक है तो रिवॉर्ड मेरे हिसाब से हम फिक्स नहीं कर सकते रिस्क सिर्फ हम फिक्स कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है राइट right? और मुझे तो सही लग रहा है ओके okay? और आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा पर यह बात बहुत सही है दोस्तों आप कोई भी ट्रेड कोई भी चार्ट देखोगे तो आप कैसे फिक्स करोगे सपोज मैंने आपको बताया कि ट्रेड नंबर ए राइट right? तो उसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि इसकी इसकी कई लोगों के पास वो टैलेंट है देन इट्स ओके राइट के भाई ये वन जेम फाइव ही है यानी ये एक के सामने पाँच रुपया देने ही वाला है कोई गारंटेड तो है नहीं ट्रेड नंबर बी भाई इसका रिस्क रिवॉर्ड वन जेम टू है ओके तो बात यह आती है कि मैं इसको अवॉइड कर दूंगा मैं इसके साथ जाऊंगा पर आप इसके साथ गए हो सकता है इसमें स्टॉप लॉस हो गया और ट्रेड नंबर भी वन जेम टू दे गया तो राइट तो कैसे हम पता लगाएं ये दोस्तों लिमिटेशन मान लो टेक्निकल एनालिसिस की या अभी फिर ऐसा मान लो कि मेरा लिमिटेशन है ठीक है तो क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कन्विंस करने में वो तो अपने आप जिसको तजुर्बा होता है वो हो ही जाएगा अपने आप फिर ठीक है तो बात ही आती है ट्रेड नंबर बी या ट्रेड नंबर ए तो मैं ऐसा कहीं ट्रेडर मुझे ऑलवेज कहते हैं कि मैं जिसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा मैं उसी में जाऊंगा तो चलिए दोस्तों ट्रेड नंबर ए में फेवरेबल है पर इस देयर एनी गारंटी कि वो फाइव देगा ही नो राइट हो सकता है ट्रेड नंबर बी सक्सेसफुल हो और ट्रेड नंबर ए फेल हो जाए राइट right? तो मैं अभी आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों तीन सौ से ज़्यादा तीन सौ के आसपास हमारी वेबसाइट जो हमारी चैनल है उस पर वीडियोज़ है तो जितने भी ट्रेडिंग के जो मैंने चार्ट्स रखे थे प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दिए हैं कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है उसमें मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कि जो एग्जिट है दोस्तों वो रिवाइज टॉप लॉस के थ्रू जाए राइट मेरे हिसाब से तो वी कैन जस्ट डिफाइन द रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि फिक्स नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई ट्रेड आपको वन जेम सेवन देना चाहे वन जेम टेन देना चाहे तो क्या दिक्कत है तो मैं ऐसा ऑलवेज फेवर करता हूँ कि गो विद द रिवाइज स्टॉप लॉस जब तक तो स्टॉप लॉस नहीं होता है आप इंजॉय कीजिए रिस्क जो है उसे से मैनेज करते जाइए स्टॉप लॉस को रेस करते जाइए तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दो ट्रेड जिसमें एक मेरा लॉस में अब भी घटा है जो स्टूडेंट ने अभी जो कोर्स किया है राइट उन लोगों ने कहीं ने ट्रेड भी किया है तो ओ एन जी सी वर्सेस पी वी आई पी वी जब दोस्तों मैंने हमारी जो यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें रखा था देख लीजिए वहाँ से मिल जाएगा आपको ओके okay, तो वन वॉज रेडी टू बाई दिक्कत ये थी जिन लोगों ने कोर्स किया था वो लोग तो समझ रहे थे कि थिएटर भले ही बंद है उसके साथ स्टॉक कोई को लेना देना नहीं अभी मैं बता देता हूँ कि ओ एन वीकली चार्ट कई स्टूडेंट्स ने लिया था एज पर जो भी हमारी स्टडी है और मैं तो आप ट्रेडिंग व्यू पे रखता ही हूं ट्रेंड लाइन और उससे भी तो फर्स्ट मैंने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ओ एन जी सी ठीक है ओ एन जी सी मैंने यहां से ये हाई से हमारा जो भी ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों ये मेरा जो ट्रेंड लाइन के आसपास एक्चुअली मैंने वहाँ से तो नहीं पर वहाँ पर अंदर एक इंटरनल चैनल ऐसे ड्रॉ की थी ऐसे ठीक है ये तीन कैंडल पे फोकस कीजिए दोस्तों फिर यहाँ पे ब्रेकआउट लिया बाहर क्लोज और रिएक्शन तो यहाँ पे 83.45 में सभी लोगों ने लिया स्टॉप लॉस मेरा एटी रुपीज़ था जो हो गया है right, फ्रेंड्स अभी देखिए मेरा लॉस हो चुका है जब मैं एटी थ्री पॉइंट फोर्टी फाइव में था तो मुझे पता थोड़ी ना था कि ये सिर्फ एटी फाइव फिफ्टी तक जाके नीचे आ जाएगा मान लीजिए मेरा रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा आ रहा था नाइन्टी टू के आसपास यानी मेरा रिस्क था 83.45 थ्री पॉइंट फोर्टी फाइव एटी रुपीज़ मेरा स्टॉप लॉस यानी थ्री थ्री पॉइंट फोर्टी फाइव वॉज माई स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट में मैं टारगेट डाल लो नाइन्टी थ्री पॉइंट टेन रखा है राइट तो मुझे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था ओके वन जेम थ्री के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वन जेम टू या वन जेम टू, टू एंड हाफ ऑलमोस्ट वन जम टू एंड हाफ़ अभी फ़िलहाल गिन लेते हैं कैलकुलेट करने जाऊंगा मज़ा नहीं आएगा ठीक है तो उसके आसपास मुझे मिल रहा है रिवॉर्ड ओके okay? तो मुझे पता थोड़ी ना था ये तो मैंने ये टारगेट फिक्स किया है अगर कोई और ऑप्टिमिस्टिक आदमी होता तो ये टारगेट भी नहीं कर लेता तो वन जम फाइव सिक्स सेवन वन जम टेन भी पहुँच जाते हो ठीक है तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों स्टॉप लॉस को रिवाइज करते जाइए जो लूजिंग ट्रेड है उसको निकालते जाइए अभी देखिए ये जो हमारे स्टूडेंट्स ने लिए थे तो ये उनके घाटे में कट गए तो हम इनको सिर्फ वही सिखाते हैं और इवन आपको भी हम हर वीडियो में सिखाते हैं स्टूडेंट की बात नहीं सब्सक्राइबर को भी हम सही चीज़ ही सिखाते हैं क्योंकि तो ऐसा तो ये नहीं कि फ्री रिसोर्सेज है तो हम गलत पढ़ाएंगे आप कभी नहीं लेवर्स ठीक है अभी बात ये आती है पीवीआर को मैंने एक छोटी सी चैनल से मैंने यहाँ से इसको पकड़ा था ओके okay. बाकी ए डी एक्स और मेरे जो भी इंडिकेटर्स प्यार है प्यारे दोस्त जो मेरे हैं वो भी मैंने ऐड एड़ किए थे इवन ये दोस्तों ट्रेड छिपा हुआ नहीं है मैंने इतना ट्रेड आप देख सकते हो अभी भी यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो दोस्तों कि ये ट्रेड मैंने रखा था और नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि मुझे पता है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट है ठीक है तो अभी बात आती है यहाँ से वन जीरो सिक्स में बाय हुआ स्टॉप लॉस वन अभी देखिए मेरा रिस्क है सिक्सटी और मान लो मेरा टारगेट है ये वन टू सेवन सेवन ओके तो अभी ये गारंटेड तो है नहीं कि मैं वहाँ पर पहुंचूंगा ठीक है अगर स्टॉक ज़्यादा देना चाहता है तो क्या दिक्कत तो है अभी देखिए दोस्तों मैं ऑलवेज क्या सिखाता हूँ कि ये आई से लूंगा ये आई से वन जीरो सिक्स सेवन वन फोर्टी फाइव और वन जीरो टू जीरो वन जीरो जीरो टू थर्टी फाइव विल बी माई स्टॉप लॉस फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ स्टॉप लॉस ये कैंडल खत्म होते ही कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रीवियस वीक के लो से ये वीकली चार्ट है तो प्रीवियस कैंडल के लो से स्टॉप लॉस रिवाइज करते हैं और कई लोग रेड कैंडल की वेट करते हैं दोनों एग्जिट स्ट्रेटेजी रिवाइज स्टॉप लॉस मेथड बेस्ट तो है अभी देखिए दोस्तों फिर ये कैंडल खत्म होने पर स्टॉप लॉस हो गया वन जीरो टू वन देखते हैं फिर ये लो है वन जीरो टू फोर जो दोस्तों तीन रुपये से बच गया कई लोग न्यूज़ लेके आए थे कि थिएटर अभी ओपन नहीं होने वाले इसलिए वो क्रैश हुआ और कहीं लोग निकल गए यहाँ कहीं पर ओके तो ऐसा नहीं करना है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है दोस्तों देखिए सिर्फ थ्री रुपीज़ के लिए स्टॉप लॉस हीट नहीं हुआ तो ऐसे अच्छे एग्जाम्पल भी होते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस हीट हो जाने के बाद प्राइस बढ़ जाता है वैसे एग्जाम्पल पे ही फोकस करते थे वो कुछ साउंड ट्रेडर की निशानी नहीं है अभी बात आती है दोस्तों ये वन जीरो टू फोर फिर ये कैंडल खत्म होने पे द न्यू स्टॉप लॉज फाइव आफ्टर डेट न्यूज लॉजल वन जीरो फिफ्टी फिर उसके बाद वाला वन टू नाइन जीरो और लास्ट में नेक्स्ट वीक के लिए वन थ्री जीरो वन तो अभी देखे दोस्तों आपका वन जीरो सिक्स सेवन और वन थ्री जीरो वन तो ढाई सौ रुपया और सिक्सटी रुपीज तकरीबन तो वन jam एम फोर जितना रिटर्न कम्प्लीटली यहाँ वन थ्री जीरो वन जब हिट होगा तब मिलने वाला है तो मैं ऐसा सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि रिवॉर्ड फिक्स करने से अच्छा है कर सकते हैं वो अलग बात है जिनके पास टैलेंट है मैं उनको मना नहीं करूंगा पर मैंने उसका भी बता दिया कि दो ट्रेड में से कौन सा रिवॉर्ड आएगा क्या पता नहीं है जिसमें अच्छा फेवरेबल है वो लॉस भी हिट करवा सकता है ठीक है तो दिस वे यू कैन मैक्सिमाइज ऑन ऑलवेज फोकस टू एक्सलरेट योर प्रॉफिट जो चीज़ हमें प्रॉफिट दे रही है अगर आपके पास दो बिजनेस हैं आपने शुरू किए हैं तो एक बिजनेस मान लो शुरू करने के टाइम पर कुछ ऐसा तो आप नहीं करोगे कि दो बिज़नेस में से एक बिजनेस है आपने वन करोड़ वन सीयर डाला है दूसरे में भी वन सीयर एक डायमंड का एक टेक्सटाइल का है तो डायमंड में अपने ऐसा करके तो इन्वेस्ट करोगे नहीं कि वन सी का फाइव सी होगा तो ये मैं बंद कर दूंगा और किसी में वन जे एम वन है टेक्सटाइल में वन सी के सामने मुझे टू सी टोटल मिलेगा यानी वन सी या मिलेगा तो वो मैं छोड़ो उसको छोड़ देते हैं ऐसा तो हम करते नहीं है क्योंकि पता नहीं है दोनों में से कौन सा बिजनेस कैसा चलेगा और अगर डायमंड का बिजनेस वन जेम फाइव या वन जे एम टेन देगा तो भी आप बंद नहीं करोगे क्योंकि जो आपको अच्छा पैसा दे रहा है उस बिज़नेस को थोड़ो आप बंद करोगे डेफिनेटली नो देर विल बी नो डाउट राइट right? सो so, दोस्तों बस ये मेरी ड्यूटी टेक्निकल एनालिसिस अन की ड्यूटी की शेयर स्प्रेड द राइट थिंग्स राइट बाकी आप दोस्तों डेफिनेटली वीडियो तो आपको पसंद आने ही वाला है क्योंकि जो सच होता है वो कभी भी छुपा रह नहीं सकता है ठीक है तो इसको मत छुपाइए जितना हो सके आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर करें और आज का वीडियो को वायरल बनाने की ट्राई करें ठीक है वायरल नहीं बनेगा तो भी चलेगा अगर रिक ट्रेडर की भी लाइफ अच्छी बन जाती है तो हमें खुशी होगी ओके दोस्तों तो आज इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर फॉलो द स्टॉप लॉस